जहां एक तरफ लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा का पहले चरण का चुनाव होने के बाद भी अभी तक राजनीतिक दलों में दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उनकी काफी लोकप्रियता है। ऐसे में उनके अचानक भाजपा छोड़ने को भारतीय जनता पार्टी को झटका के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल बांदा के बबेरू से विधायक बने थे और इसके बाद किसी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में शिवशंकर पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शिवशंकर पटेल बांदा के बबेरू क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और बांदा लोकसभा क्षेत्र में उनकी अपनी अलग पहचान भी है। उनके अचानक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से वहां की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी से भाजपा के प्रत्याशी स्मृति ईरानी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता रविदत्त मिश्रा ने भी भाजपा को छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रविदत्त मिश्रा वर्ष 1992 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं और वह संगठन में कई पदों पर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रविदत्त मिश्रा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कांग्रेस में शामिल होने वाले रविदत्त मिश्रा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद व भाजपा नेता दरोगा प्रसाद सरोज ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में दरोगा प्रसाद सरोज ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का समाजवादी पार्टी में जमकर स्वागत किया गया। वह समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद दरोगा प्रसाद ने कहा कि मैं अब अपने घर में आ गया हूँ, कुछ दिनों के लिए दूसरी पार्टी में जाकर घुटन महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज मेरा और आजमगढ़ का सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ने की स्वीकृति दी है।